ग्रंथि चैप्टर के पार्ट वन में हम आपको बहिर्श्रावी ग्रंथि बता दिए, ग्रंथि चैप्टर के पार्ट टू में हम आपको अंतःस्रावी ग्रंथि बता दिए। अब देखते हैं हम लोग पार्ट थ्री में मिश्रित ग्रंथि। देखिए, जो ग्रंथि एंजाइम निकाली थी उसे हम कहे थे बहिर्श्रावी ग्रंथि, और जो ग्रंथि हार्मोन निकाली थी उसे हम कहे थे अंतःस्रावी ग्रंथि। अब वैसी ग्रंथि जो एंजाइम तथा हार्मोन दोनों निकालेगी उसे मिश्रित यानी मिक्स्ड ग्लैंड कहते हैं। इसका सबसे बड़ा एग्जांपल पैंक्रियाज है। पैंक्रियाज यानी अग्नाशय शरीर के बाईं ओर होता है। यह शरीर की दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि है। शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि लीवर है, जो बहिर्श्रावी है और दाहिनी ओर है। दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि पैंक्रियाज यानी अग्नाशय है, यह मिश्रित ग्रंथि और यह बाईं ओर है। देखिए, अग्नाशय की जो कोशिकाएं हैं वो एक गुच्छा के समान रहती हैं। इन गुच्छों की खोज सबसे पहले लेंगर हैंस नामक वैज्ञानिक ने किया था। अतः अग्नाशय की कोशिकाओं के गुच्छों को हम लेंगर हैंस की दीपिका या आइलिट्स ऑफ लेंगर हैंस के नाम से जानते हैं, उसकी कोशिकाओं को, लेंगर हैंस की कोशिकाओं को। अब आपको पता है कि अग्नाशय एक मिश्रित ग्रंथि है, इससे एंजाइम भी निकलेगा तो हार्मोन भी निकलेगा। तो पहले हम समझ लेते हैं एंजाइम के बारे में। अग्नाशय से निकलने वाले एंजाइम की हम पूरी चर्चा आपको पाचन तंत्र नाम के चैप्टर में कर दिए हैं। इसका ट्रिक बताए थे LAT, लेट लाइपेज जो वसा को पचाता है, एमाइलेज जो स्टार्च यानी चोकर को पचाता है, और ट्रिप्सिन जो प्रोटीन को पचाता है। तो ये हम एंजाइम चैप्टर, एंजाइम के बारे में हम आपको पाचन में बता दिए थे। इस चैप्टर में हम मेन फोकस हार्मोन पर रखेंगे। तो अग्नाशय यानी पेंक्रिया से जो हार्मोन निकलते हैं वो तीन प्रकार के निकलते हैं, और तीनों अलग अलग कोशिकाओं से निकलते हैं। तो पहली कोशिका अल्फा, दूसरी बीटा, तीसरी गामा। अल्फा कोशिका से निकलता है ग्लूकेगान। यह ग्लूकेगान ग्लूकोज की लेवल को बढ़ा देता है। अल्फा कोशिका से निकलने वाला ग्लूकेगान ग्लूकोज की लेवल को बढ़ाता है। अब ये ग्लूकोज का लेवल कैसे बढ़ा देता है, आप याद कीजिए, हम पार्ट वन में आपको हम पढ़ा दिए थे आपको लीवर के बारे में। लीवर ग्लूकोज को स्टोर करने के लिए ग्लाइकोजन के रूप में स्टोर कर लेता है, और जब हमारे शरीर में ग्लूकोज की कमी हो जाती है या हम खाना पीना छोड़ देते हैं तो यही ग्लूकेगान ग्लूकोज की लेवल को बढ़ाने के लिए जो लीवर ने ग्लाइकोजेन के रूप में स्टोर किया था उसे वापस ग्लूकोज का रूप दे देती है। समझ में आ गया आपको, ये ग्लूकोज को कैसे बढ़ाता है, ग्लाइकोजेन को वापस ग्लूकोज में बदल के। तो ये अल्फा सेल हो गया। बीटा सेल यानी बीटा कोशिका से क्या निकलता है, इंसुलिन। बीटा कोशिका से जो इंसुलिन निकलता है ये ग्लूकोज की मात्रा को घटा देता है। ये सबसे जरूरी है। इंसुलिन क्या करता है, शरीर में ग्लूकोज की मात्रा को कम करता है, आवश्यकता से ज़्यादा होने नहीं देता है। और अगर ये इंसुलिन की मात्रा कम हो गई तो बीमारी होने लगती है, जिसे हम शुगर कहते हैं। अब समझिए एग्जाम में क्वेश्चन कैसे पूछता है, इंसुलिन कहाँ से निकलता है, तो बीटा सेल से निकलता है। याद रखिएगा, कहाँ से निकलता है, बीटा सेल से। इंसुलिन क्या है, तो हार्मोन है, और सभी के सभी हार्मोन तो प्रोटीन होते हैं। तो BPSC में क्वेश्चन पूछा था कि इंसुलिन क्या है, ऑप्शन में ही हार्मोन नहीं था, तो अब क्या लगाइएगा, प्रोटीन। सभी प्रोटीन हार्मोन हैं और इंसुलिन भी एक प्रकार का हार्मोन है। इंसुलिन में एक बार क्वेश्चन पूछा था रेलवे में कि कौन सा तत्व तो पाया जाता है, तो उसमें जिंक यानी जस्ता पाया जाता है। याद रखिएगा, इंसुलिन में क्या पाया जाता है, जस्ता। इंसुलिन एक प्रकार का प्रोटीन है, और साथ साथ ये भी याद रखिएगा कि इंसुलिन जल में घुलनशील होता है। इसको अच्छे से याद रखिएगा, इंसुलिन जल में घुलनशील होता है, ये कई बार क्वेश्चन पूछ चुका है। अब देखिए, इंसुलिन की कमी से आपको डायबिटीज यानी शुगर कहिए या चिनिया बीमारी कहिए, डायबिटीज नाम की बीमारी हो जाती है। ये डायबिटीज यानी शुगर बीमारी ये बहुत ख़राब एक तरह का बीमारी है। ये जिसको एक बार हो गया वो ठीक नहीं होता है, बस कंट्रोल हो सकता है। अगर आपको शुगर ज़्यादा है तो डॉक्टर अगर गलती से आपका ऑपरेशन कर दिया तो जल्दी सही नहीं होगा, पूरा घाव बन जाएगा, चोट लग जाएगा, तो उसको सड़ने का खतरा ज़्यादा रह जाता है। तो इंसुलिन को बढ़ाइए और शुगर को कंट्रोल करिए। अब शुगर को कंट्रोल कैसे करिएगा, तो दो रास्ते याद रखिएगा आप में, जिसके भी घर में बाबा दादा मम्मी पापा को, अगर घर में किसी को भी अगर शुगर है तो दो चीज़ का ध्यान दीजिएगा। एक कड़ी आता है, नीम के पत्ता की तरह उसकी पत्तियां होती हैं, उसे कड़ी का पत्ता कहते हैं। जिन लोगों को शुगर है उन्हें 365 दिन कड़ी का पत्ता खाना चाहिए, उसे सब्जी में डाल के खाइए, चाय जो बनवाते हैं बिना चीनी का उसमें डाल के खाइए। तो कड़ी के पत्ता का सेवन हमेशा करना चाहिए, उसमें जिंक होता है। दूसरा, जो जामुन होता है ना वो शुगर के मरीज के लिए रामबाण होता है। जब तक जामुन का सीजन है उन लोगों को कहिए कि डेली
10 दाना जामुन खाते रहें, जब तक सीजन है अप्रॉक्स 3 से 4 महीने तक आपको जामुन मिलेगा गर्मी के दिनों में, तो जामुन को खाते रहिए और जो उसका बिया है उसको फेंकिए नहीं। जामुन के बिया को इकट्ठा करिए और जब सीजन चला जाए तो उसे सुखा के उसे कूट के पाउडर बना लीजिए उसमें, और उसको सेवन तब कीजिए जब जामुन का सीजन नहीं है तब। समझ आ गया? तो ये आप बीटा सेल देख लिए। अब लास्ट सेल समझते हैं हम लोग, गामा सेल। गामा सेल से निकलता है आपका सोमेटोस्टेटिन। यह सोमेटोस्टेटिन क्या करता है, जो पचा हुआ भोजन है उससे ऊर्जा बनाता है, अतः यह ऊर्जा का निर्माण करता है और भोजन में एसिमिलेशन यानी स्वांगीकरण करता है, यानी उस भोजन से ऊर्जा को ग्रहण करना एसिमिलेशन या स्वांगीकरण कहलाता है। यदि आपका गामा सेल ठीक नहीं है तो सोमेटोस्टेटिन नहीं निकलेगा और भोजन से ऊर्जा यानी स्वांगीकरण नहीं होगा। आप खाएंगे बकरी की तरह, सूखेंगे लकड़ी की तरह। इसलिए डॉक्टर के पास जाइएगा तो समझ जाता है कि इसका गामा सेल गड़बड़ है, तुरंत टॉनिक देगा, गामा सेल सही होगा, खाइएगा मटाइएगा। समझ में आ गया आप लोग को? कोई दिक्कत नहीं। तो ये आपका मिश्रित ग्रंथि पैंक्रियाज, इसमें बस ये बीटा सेल पे ध्यान रखिएगा कि इंसुलिन में क्या पाया जाता है, जिंक पाया जाता है। इंसुलिन भी एक प्रकार का प्रोटीन है, ये जल में घुलनशील है, शुगर या डायबिटीज बीमारी में इसका योगदान रहता है। इसका एक स्क्रीनशॉट लीजिए, नेक्स्ट वीडियो में हम फिर आगे समझेंगे।